और जैसा कि आप लोगों को पता है कैलो के बगैर परा तो पखा हुंदा। वेजिटेबल्स काट रही हैं, दो मिनट चुप कर जो गलना वक्फा पा लो। 1 2 3 कैमरा एक्शन पीछे हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल तक का सारा दिखाया कि आप यहाँ सारी चली गई, तो फिर हमने कहा अब हम फ्री हैं, बिल्कुल वेले हैं, अब किसी ने नहीं आना। लेकिन अगले दिन जैसे ही हम नाश्ता करके हटे हैं तो एक और आपी ने एंट्री मारी जिसका हमें पता नहीं था उसने आना। तो फिर अभी रात है, रात का खाना फिर हमने बनाया, भाई ने आना था। वो कह रही थी कि बच्चों की शायद छुट्टियां बढ़ जाएं तो फिर मैं रुक जाऊंगी, अगर ना हुई तो फिर मैं ना चली जाऊंगी। तो भाई आए हैं लेने आपी को। तो ये बनाया है, चावल बना लिए साथ, चावल आज मैंने बनाया साथ में, ये आलू गोश्त बना लिया। ये है कि पहले हांडी मैं रख लेती हूँ, चावल भाभी पका लेती हैं अक्सर, लेकिन भाभी इस बार कह रही थी कि मेरा चावल पका पका मैं थक गई हूँ, फिर हमने स्विच कर लिया। आज मैंने चावल पका लिए, सालन भाभी ने पका लिया, सैलड बना ली, रायता बना लिया ये वाला, और साथ में एक और चीज़ तो सीधे पीछे हो यो, साथ में ये बाजार से ये वाले सैलड मंगवा लिया। रोटियां भी बन गई हैं, भाई भी आ गए हैं। अब बस अब हम लोग ना खाना खाने लगे हैं। मैंने इधर से इसलिए स्टार्ट किया ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। वैसे कोई रेसिपी वाला सिस्टम आज भी नहीं था, तो चलें अब खाना लगाते हैं। एक मिनट ने चुप कर दिया कि थोड़ा जब बोलन दे गया, इसलिए हास कर लिए, खुसफुस कर लेती है कानों में, जैसे कि आ नहीं रही आवाज मुझे, गल्ला ही नहीं मुक रहा। हूँ रोला पा लो शोर। चलें खाना हमने लगा दिया, अब भाई को बुला लेते हैं, खाना खा लें। सर्दी है, खाना ठंडा भी इतनी जल्दी हो जाता है ना? जी जी, बहुत जल्दी ठंडा। बैठें, तशरीफ रखें। आपका शोहर मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जन्नतुल हलाल व दोज़ुकुल हराम। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसलाबादी ब्लॉगर जो है दिन दिहाड़े और आम दिनों में ये लोगों की सेवा करते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो YouTube चैनल देखते हैं उनको लजीज और मज़ेदार जो है वो डिशेस और उनकी जो है वो उनका जो क्राइटेरिया है ये सारा उनके साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग इनकी इस चाहत को, इनकी लगन को इस तरह एहसास दिलाया करें कि आप इनके चैनल को देखा भी करें, शेयर भी किया करें, कमेंट्स अच्छे अच्छे। वो एक दिन एक हल्की हल्की सी उसकी दाढ़ी थी कह लो के बगैर परा तो पखा हुंदा, उसने बड़ी अजीब सी एक बात की थी, तो मैं उसको कहूंगा दोबारा अगर वो देखे कि जो जो टॉकिंग होती है ना, इसी चीज को, इसी चीज का नाम है चैनल को फेमस करवाना। अल्लाह दया बंदे, अल्लाह तेन हज करावे ना करावे, रब की मर्जी। तो देखने वाले और सुनने वालों को यही कहूंगा कि जब भी फैसलाबादी ब्लॉगर आए तो इसको शेयर भी करे, लाइक भी करे और सब्सक्राइब भी करे। मेहरबानी तुहाडी, इन्नी औखी उर्दू किसी ने समझ आनी तुहाडी? चलो बेटा आ जाओ, फुरकान, रिशान और फुरकान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इधर करो बेटा सलाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो ओथे पापा दे कोल। और ये मैं पट पाऊंगा पहले। इट इज माय, इट इज नॉट योर। माइन होता है, माय माइन। यूके पढ़ के आया हूँ तो हूँ फिर मर्जी है ना। चलें आप खाना एंजॉय करें, मैं बाहर जा रही हूँ, जो किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैंनू बिल्कुल नहीं बुलाना। ओके ओके, सारा कुछ रख दिया मैंने वैसे तो। खाना वगैरह खा लिया, अब मैंने गरम गरम चाय बना ली है मलाई मार के। तो प्लीज अल्लाह ताला आपको, हाय इधर ना चुकियो, इधर वाला कप डिग जाना, ट्रे फाड़ लवे बंदा। तो जब तक मैं चाय पी लूं उतनी देर तक आप अपना ख्याल रखें। ना ना नहीं, अभी कहाँ ख्याल रखना है, ट्रे फड़ो। हेलो, लोग नहीं मुके हले। अगर चैनल देख रहा, मेरी वीडियो बंद ही हुई है। यूट्यूब चैनल देखो फैसलाबादी ब्लॉगर, अभी ओपन करे, मैं हूँ चैनल पर, हम लाइव नहीं है, फड़ो। दो मैं आपको, नहीं मेरी बात सुनो। हेलो, मेरी ओ तो मैं थाने सुबह सैंपल बनवा दिंदा, एक बनवा के इधर दिखा दो चले जी। ये आ गया है उससे भी अगला दिन,
तो जैसे कि आप लोगों को पता है रुशान फरकान इधर रह गए थे, उनकी छुट्टियां तो नहीं बढ़ी, लेकिन हम लोगों ने रोक लिया था कि अब आप लोग आए हो तो रह लो एक दिन ही। वैसे भी आपकी को था कि ना छुट्टियां बढ़ जाएंगी, तो उन्होंने बच्चों की तैयारी नहीं थी कोई की, उन्होंने कहा वैसे भी छुट्टी होनी है तो चलो मैं रह लेती हूँ, भाई चले गए थे। तो अगले दिन की शाम है, तो बच्चे ज़ाहिर बात है शाम को कुछ ना कुछ खाना ही होता है स्नैक टाइम में, उनके लिए फिर मैंने ये फ्राइज बना ली, और साथ में मैंने तो कहा था थोड़ी सी बनाती हूँ, लेकिन साथ में कोई ना कोई आ ही जाता है कि दो कदाने मैनू भी दें, दो कदाने मैनू भी दें, फिर मैंने ज़्यादा बना ली। और दूसरी तरफ आज हांडी भी मैं ही बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ आलू अंडे, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। और साथ में फिर उससे पहले मैंने सारा आज किचन साफ किया, मैंने कहा मोबाइल मेरे हाथ में होता है इसलिए मेरी तो कोई वीडियो बनाता ही नहीं है कि मैं भी कोई काम कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो मैं खुद ही बता देती हूँ आप लोगों को कि मैंने भी काम किया है, मैं भी कुछ करती हूँ। और साथ साथ फ्राइज बन रही हैं, और दूसरी तरफ ये अंडे पड़े हैं उसमें सालन में डालने के लिए, साथ में ये सूप का सामान पड़ा है। रुशान फरकान को भी सूप बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे सभी बच्चों को बहुत पसंद है, तो इसलिए भाई से सामान मंगवा के रखा है। अंदर वो सारी बैठी आपी और दूसरी आपी सारी सब्जियाँ काट रही हैं सूप वाली, साथ ही साथ मैंने किचन साफ़ कर लिया, चिकन भी धो के रखा हुआ है और बर्तन सारे करके ना आज मैंने डीप वाला साफ़ किया किचन, ओवन को साफ़ किया सारा खोल के, तो सारी बात है आंटी थोड़ी ना ये साफ़ करती हैं, तो हमने खुद ही करना होता है। साथ में सारे शेल्फ्स वगैरह और कैबिन्स बाहर से भी ना हाथ लग लग के काफ़ी गंदे हो जाते हैं, तो वो भी फिर हमें ना थोड़े थोड़े अरसे बाद ना उसको साफ़ करते रहते हैं। भाई ने कहीं जाना था तो मैंने प्लेट में डाल के दे दी, भाई कहता है ऐसे ही दे दो मैं गाड़ी में खा लूँगा, तो ये मैं बच्चों को देती हूँ। रुशान फरकान फ्राइज ले लो, और ये आप ही ना यहाँ पर वेजिटेबल्स काट रही हैं, दो मिनट चुप काट जो गलना वक्फा पा लो। तो ये अब सूप की तैयारी होगी, एक मुहतरमा ये हैं इनकी तबीयत नहीं ठीक, ये रेस्ट कर रही हैं, लेटी लेटी खा पी रही हैं। अक्सर लोगों को ना आलू अंडे नहीं पसंद होते, और पसंद होंगे भी लेकिन किसी किसी को नहीं भी होते, और हमारे घर में उसी दिन बनते हैं जब कोई ऑप्शन नहीं होता और ना समझ आ रही होती है कि क्या बनाएं। तो इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए ना थोड़ा सा कि सब इजीली खा लें, बच्चों को भी पसंद आ जाए, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा करने के लिए ना मैं आपको एक टिप देने लगी हूँ। हम लोग क्या करते हैं जब ये गल जाते हैं ना आलू, तो इसमें अंडे डालने से पहले ना इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और साथ में ना थोड़ा सा सिरका डाल देना है। सिरका भी शक ना डालें या कम डालें, क्योंकि सालन अगर खट्टा हो गया ना तो हमारे अबू ना पकड़ लेते हैं हमें इजीली कि तुसी भी कुछ खट्टा पाया या कुछ इमली पाई, इसलिए ना फिर हम वो थोड़ा सा डालते हैं, बाकी ये दोनों चीज़ें ना हम इसमें डाल लेते हैं। एक बार क्या हुआ, मैंने मसाला भून के ना आलू डालने से पहले ये सारी चीज़ें डाल दी, मतलब सिरका भी डाल दिया, तो उस दिन ऐसा हो गया कि रात के 8 बज गए थे और ऐसे लग रहा था मैंने पाए रखे हुए हैं, आलू गल ही नहीं रहे थे, समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है, जैसे आलूओं में कोई मसला है। लेकिन वो फिर बाद में चीज़ नोटिस की कि वो ना हमने सिरका ये सारी चीज़ें ना इनमें शायद कोई मसला था, ये पहले डाली थी हमने, हाँ खट्टी चीज़ डालें तो इसलिए ना सिरके की वजह से गल नहीं रहे थे आलू, इसलिए अब हम ना इसको इस स्टेज पे आ गए ना इसमें ये चीज़ें मिक्स कर देते हैं, तो इसके बाद सिर्फ अंडे रह जाने डालने वाले, तो फिर बस सालन रेडी है। अच्छा मैं एक चीज़ बताना ना आपको भूल गई, ये जो सोया सॉस होता है ना इसमें भी नमक होता है, तो आपने ये ना हो गया पहले नमक भी ज़्यादा डाला और ऊपर से आप ये डालें तो वो ज़्यादा हो जाए, तो मैंने पहले नमक कम रखा हुआ था फिर ये डाल लिया, तो फिर बाद में आप चेक कर लें अगर नमक कम है तो और डाल लें, तो इसलिए मैं पहले ना कम ही रखती हूँ ताकि ज़्यादा ना हो जाए। चलें जी मेरा सालन तो रेडी हो गया, ज़्यादा नहीं बनाया था बस 4 अंडों का ही बनाया है, तो इसको ना मैंने धनिया भी डाल दिया, अब हल्के से दम पे ना इसको मैं वैसे छोड़ दूंगी जब तक हम लोगों ने खाना है, तो आप लोगों ने इस तरह से लाजमी ट्राई करना है जिस तरह मैंने आपको ये टिप बताई है, तो बहुत ही मज़े का बहुत अच्छा बनता है सालन, इजीली हर कोई खा लेता है इसको।